नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जीएमसी औरंगाबाद का। जीएमसी औरंगाबाद में लास्ट ईयर नीट 2020 में क्या कट ऑफ था, अलग अलग कैटेगरीज यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, अलग अलग सेक्शन में से लास्ट सीट कितने मार्क्स पे, कौन सी सीट कितने मार्क्स पर अलॉट की गई थी। साथ में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर आप 2021 में आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र है या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो अगर आप अपने लिए जीएमसी औरंगाबाद में एक सीट देख रहे हो, अगर आप जीएमसी औरंगाबाद के लिए अपनी एक सीट देख रहे हो या इसको एक ऑप्शन लेके अपनी स्टडीज कर रहे हो, तो क्या वो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा जिसपे आपको ये कॉलेज इजिली अलॉट हो जाए। तो आज हम करेंगे इन्हीं सारी चीजों का कंप्लीट एनालिसिस। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार, मैं विष्णु कांत सिंह, स्वागत करता हूँ आपको एडमिशन मीडिया में। अगर हम बात करें जीएमसी औरंगाबाद, डेट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद की, तो ये कॉलेज स्टेब्लिश की गई थी आपकी 1956 में। ये कॉलेज आपकी स्टेब्लिश हुई थी 1956 में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्सेज की, तो यहाँ पे टोटल 31 कोर्सेज ऑफर करता है ये कॉलेज। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल एमबीबीएस सीट की, तो यहाँ पे टोटल 200 एमबीबीएस सीट्स हैं। मतलब कि नीट के बाद अगर आपके मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे टोटल नीट के बच्चों के लिए 200 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 200 सीट है जीएमसी औरंगाबाद के अंदर। इस कॉलेज के अगर मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ पे फीस है आपकी 99,172 रुपीज। अब अगर मैं एज ए नीट एस्पिरेंट आपको बात करूँ तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वो ये है कि लास्ट ईयर नीट 2020 में क्या कट ऑफ था अलग अलग कैटेगरी के अंदर। तो उसकी बात करें तो पहले हम देखेंगे 85% स्टेट कोटा की, ये उन बच्चों के लिए है जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जनरल के लिए जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी जीएमसी औरंगाबाद में, उसके लिए मार्क्स था 625 एंड द रैंक वाज 14,325। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द मार्क्स वाज 605, द रैंक वाज 22,095। वहीं पे ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी उसके लिए मार्क्स था 617 एंड द रैंक वाज 19,956। वहीं पे वीजे कैटेगरी के लिए 573, द रैंक वाज 409,535। फॉर एससी कैटेगरी द मार्क्स वाज 536। फॉर एसटी 401, द रैंक वाज 193,573। For NT1 category, the marks was 562 and the rank was 52,847. For NT2, the marks was 536 and for NT3 category, the last seat allotted on the marks was 619, the rank was 18,365. यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा कि हर साल की तरह इस साल में हमने आपके लिए नीट एमबीबीएस काउंसलिंग के नाम से टेलीग्राम पे एक ग्रुप अपना बना दिया है। अगर आपने उस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी न्यूजेज आते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली हम अपडेट्स वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन करके रखें। साथ में ही हमने अपनी पेड काउंसलिंग, डेट इज एक्सपर्ट काउंसलिंग के लिए जो हमारा पेड सर्विस है, वो भी ओपन कर दिया है। उसके लिए आप हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके, कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके बात कर सकते हो, या तो हमारी वेबसाइट www.admissionmedia.in पे जाके भी आप सर्च करके वहाँ पे चीजें फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं 15% ऑल इंडिया कोटा की, मतलब कि अगर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र नहीं हो, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो और जीएमसी औरंगाबाद में अपनी एक सीट देख रहे हो, तो अगर मैं बात करूं इस चीज पे, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, जनरल के लिए जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी इस कॉलेज में, उसके लिए मार्क्स था 635 एंड द रैंक वाज 10,104। फॉर ओबीसी कैटेगरी द लास्ट सीट अलॉटेड इन दिस कॉलेज द मार्क्स वाज 630 एंड द रैंक वाज 12,856। फॉर एससी कैटेगरी द मार्क्स वाज 537। वहीं पे एसटी कैटेगरी के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी औरंगाबाद में, उसके लिए मार्क्स था 513 एंड द रैंक वाज 81,576। ये तो बात रही आपकी कंप्लीट एनालिसिस जीएमसी औरंगाबाद की। इसके अलावा आपको अगर किसी और कॉलेज या किसी और स्टेट के काउंसलिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि नीचे दिए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप चैट करके हमारी टीम से भी बात कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट करके आप बोल सकते हो। अब आपके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात करूंगा इस पॉइंट पे कि इस साल मतलब कि नीट 2021 में क्या वो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा आपको। अगर आप वो स्कोर करते हो तो इस कॉलेज में आपके सीट अलॉट होने के अच्छे खासे चांसेस बनेंगे।
तो पहले मैं बात करूंगा आपसे 85% स्टेट कोटा की, दैट इज अगर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र है और आप अगर मार्क्स समवेयर अपने मार्क्स 620 टू 650 तक स्कोर करते हो तो जीएमसी औरंगाबाद में आपको सीट अलॉट होने के अच्छे खासेस चांसेस बनेंगे। इसके अलावा अदर कैटेगरीज के लिए अगेन आप हमें कॉन्टेक्ट करो, हम आपको व्हाट्सएप पे अपनी टीम के द्वारा सारी डिटेल्स वहां पे दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।